जब भगवान राम और लक्ष्मण भैया मैया सीता वन काल के क्रम में गुहनिषाद के क्षेत्र के अंतर्गत वृक्ष के नीचे पाप के सैया पर जब सोए हुए थे तो गोहनिषाद जो है आक्रोश प्रकट करते हैं माई कैकेयी के ऊपर। लक्ष्मण भैया माई कैकेयी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लक्ष्मण जी ने कहा क्या हुआ? अरे माई माई होता है, माई जो है कुमाता नहीं होती है, बेटा भले कुबेटा हो जाए। कहा कि भैया मेरे भैया का दोस्त हो इसलिए छोटी मुंह बड़ी बात कहना उचित मैं नहीं समझता हूं, लेकिन कहना तो पड़ेगा ही। इसमें कैकेयी माता का कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है भैया का। इसलिए अरे माँ बाप तो गुस्सा में जो है बहुत कुछ कह देते हैं, तो क्या छोड़ के चला जाता है कि सहन करके रह जाता है? लेकिन माता पिता का आदेश पालन करने के क्रम में हम लोग जो है यहां आए। ये जो कष्ट देख रहे हो ना, ये कष्ट जो है कैकेयी माता के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। लक्ष्मण जी बड़ा मार्मिक ज्ञान के तहत गुहनिषाद को समझाते हैं, मैंने कि आक्रोश को दूर कर रहे हैं। काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कोई किसी को ना सुख देता है ना दुख देता है, हाँ निज कृत कर्म यानी कि अपना कर्म के आधार पर जो है वो सुख और दुख प्राप्त करता है। सदगुरु आचार्य धर्मस्वरूप साहेब अपने जीवन काल में बराबर कहा करते थे और उनकी पंक्ति अभी भी जो है हम लोगों के बीच बरकरार है कि निज कर्मों का फल सुख दुख है, देता कोई न आन, जो अनुसरण करे उसका हो जाए कल्याण। तो सज्जनों साहिब कबीर ने उस जिज्ञासु को कहा कि देखो लक्ष्मण जी गुणसाद को कैसी समझा रहे हैं कि कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, अपना कर्म के आधार पर जो है सुख दुख होता है। देखिए मान ले जाए रास्ता चलने पर साहिब कबीर के सिद्धांत को जो नहीं अपनाता है उसी को ठोकर लगता है। साहिब कबीर ने कहा कि रा बेचारी क्या करे पंथी चलने विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। रास्ता में कोई गलत नहीं, चलने वाला में जो है ऐब हो जाता है, जो देख करके नहीं चलता है तो उसी को ठोकर लगता है, है ना? और जो सावधानी बरतता है उसको ठोकर नहीं लगता। साहिब कबीर ने कहा कि फॉर्म आगे फॉर्म पीछे, फॉर्म देने डेरी, और फॉर्म पर जो फॉर्म करे सो फॉर्म है मेरी। फॉर्म का मतलब होता है सावधानी, सावधानी से सावधानी पूर्वक रहेगा जो सतर्क हो जाएगा। साहिब कबीर कहते हैं वही मेरा है ना। इसलिए साहिब कबीर समझाते हुए कहते हैं कि बेटा तेरे जीवन में दुख नहीं है, तूने खुशामत करके दुख को बुलाया है, दुख आना नहीं चाहता था लेकिन तूने जो है उसको जो है खुशामत किया, आमंत्रित किया, तब वो जो है दुख जो है लौट करके जो है तेरे पास आया। जब कोई किसी को बुलाओगे तो उसको तो सम्मान करना पड़ेगा ना। क्या कहा? दुख जो कष्ट जो होता है, कहा तो कष्ट होता है तो क्या करोगे, बुलाए हो तो सहन करो, नहीं अगर चाहते हो कि हम सहन नहीं कर पाएंगे तो उसको जो है बोले भी मत करो।
अरे दुख वाला काम ही नहीं करो, हमेशा सुख वाला काम करो, सुख ही सुख रहेगा। सज्जनों, इसलिए संत के पास आने के बाद साहिब कबीर ने कहा, संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होई, काहे कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगति होई। विद्वान अगर विद्वान के संग में बैठता है तो उसको लाभ प्राप्त होता है। सत्संगी अगर सत्संगी के बीच में रहेगा तो ज्ञान की जो है चर्चा होगी और वही सुनने को मिलेगा। सत्संगी अगर कुसंगी के पास बैठेगा तो कुसंगी के पास जो रहेगा वही ना सुनाएगा। इसलिए साहेब कबीर ने कहा कि इसके लिए जो है तुमको निर्णय करना होगा कि हम जो है कहां बैठे, कहां क्या करें, इसको तुमको खुद जो है निर्णय लेना होगा। करहु विचार जो सब दुख जाई, अपरिहरि झूठा केरे सगाई। विचार करने के बाद जो है सब दुख जो है समाप्त हो जाता है। तो विचार करिएगा तब तो ये सत्संग में जो है, सत्संग में अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं यहां जो है विवेक शक्ति उत्पन्न हो रही है। गोस्वामी जी वर्णन किए कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलवन सोई। तो सज्जनों, अब जो सत्संगी जन हैं इन चौपाई को पढ़ करके संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। कहा कि राम की कृपा, आपन कृपा कृपा क्यों नहीं? अरे भैया, राम जो है हमको ऑर्डर करने के लिए नहीं आए हैं, न आएंगे। जब थे तब थे, जिन जिन लोगों को ऑर्डर किए, जो जो उनका कहना माना उसके अनुसार से उसको प्राप्त हुआ। आप जो है रामायण पढ़ करके देखिए, अध्यात्म रामायण में भगवान राम जब जल समाधि लेने जा रहे थे, हनुमान जी पैर पकड़ करके कहते हैं, सरकार आप तो जा रहे हो, दुख बर्दाश्त नहीं हो पाता है। भगवान राम ने कहा, ए हनुमान, तू जो है अपने मैया सीता को मेरा रूप जो है कहां दिखाया था? कहा कि सीने में। कहा जब मैं तेरे सीने में बास कर रहा हूं, तू देख अपने जो है अंतर्मुखी अंतर्दृष्टि के द्वारा, दीप दृष्टि के द्वारा, पारक दृष्टि के द्वारा मैं तुझे जो है अपने आप में जो है मिल जाऊंगा। साहिब कबीर ने कहा, साहिब कबीर के सामने एक जिज्ञासु हाय राम कहते हुए व्याकुल होकर के जो है जा रहा था। साहिब कबीर ने कहा, ओ बबुआ इधर आओ, इधर आओ, कहां जा रहे हो? कहा मैं भगवान को खोजने जा रहा हूं। कहा भगवान? अच्छा, अरे भगवान तुमको खोज रहा है, तुमको जो है पुकार रहा है, तू कहां किसको पुकार रहे हो? कहा भगवान मुझे पुकार रहे हैं। कहा कि हां। कहा सो कैसे? कहा कि सुनो मेरी बात, द्वारे तेरे राम जी, बीजक में दर्शाया गया है, द्वारे तेरे राम जी मिलो न कबीरा तोई, अतय तो सब में मिली रहा मैं न मिलूंगा तोई। अरे तेरा राम, तेरा भगवान जानते हो तुमसे क्या कह रहा है कि मैं तो तेरे पास हूं, लेकिन तू सबसे रिश्ता जोड़ लिया है। मान लिया कोई नारी, कोई पत्नी या कोई व्यक्ति अनेक से रिश्ता जोड़ लेगा तो सबका बात सुनते सुनते उसका तो लाइफ उधर चल जाएगा, है ना? वो तो जो है व्यक्तिगत सुख अनुभव नहीं कर पाएगा। व्यक्तिगत निज सुख प्राप्त करने के लिए सबका रिश्ता तोड़ना पड़ता है। जैसे बहन लोग को देखिएगा, पति का सुख पाने के लिए नैहर का जितना भी सगा संबंधी है सबसे रिश्ता तोड़ करके पति के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देती है। पति का सुख जो है भोगना शुरू कर देती है।
तो उसी तरह से जो है ये जो है रमैया राम को देखने के लिए है ना, रमंते जोगिनो अस्मितु रामा, ये जो लिखे हैं वर्णन किए हैं तो इसको देखने के लिए जो है आपको जो है हर एक तरह से जो है दृष्टि को मोर करके अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं कि निज तन में खोज सजन बाहर न खोजना, अपने घट में हरि है अपने में खोजना, अपने में खोजना तो आखिर कहां मैं खोजूं, वो है कहां, यही सवाल गुरु महाराज के सामने आया कि मैं कहां खोजूं कैसे खोजूं। का इसके लिए तुझे जो है भजन वेद लेना होगा, युक्ति है ना के तहत जो है तुमको ध्यान साधना करना होगा। जिस दिन साधना में तुम पूर्ण हो जाओगे उसी दिन तुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी और उन्हीं दृष्टि के द्वारा तुझे जो है वो रमैया राम दिखाई पड़ेंगे। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। दृष्टिवान का मतलब क्या होता है, दृष्टिवान का मतलब क्या, वान माने श्रेष्ठ है ना, जैसे गाड़ी चलाने में जो श्रेष्ठ हो गया उसको गाड़ीवान कहते हैं, कहते हैं ना, धन को जोग लिया उसको धनवान कहते हैं, विद्या को जो विद्या में जो परिपक्व हो गया उसको विद्वान कहते हैं, अच्छा चीज में जो परिपक्व हो गया उसी को भगवान कहते हैं, ऐश्वर्य शोभा संतोष धर्म ज्ञान और वैराग्य। तो सजनों कहते हैं कि वही खोजेगा वही देखेगा वही अपने स्वस्वरूप को देखेगा जो दृष्टि को है ना, यानी कि जो दृष्टि साधन में परिपक्व हो गया है वही देखेगा। अब मान ले जाए सुई, छोटी सुई का जो है छोटी सुई में धागा आपको डालना है तो मान ले जाए नजर अगर चमकाइएगा तो वो जो है जिसमें सूता जो है धागा डालने जा रहे हैं वो छिद्र आपको दिखाई पड़ेगा क्या, नहीं ना। उसके लिए जो है आपको क्या करेगा, दृष्टि को जो है ना आपको सम करनी होगी। अगर अगल बगल कहूं दृष्टि डोले सम्मुख धार सुरत लागी सुष्मनिया में मोर नजर लागी, जब तक जो है दृष्टि को जो है आप सम नहीं कीजिएगा स्थिर नहीं कीजिएगा तब तक जो है आप जो है धागा डाल नहीं सकते हैं। एक 16 साल का लड़का जो है हो सकता है कोई कारण बस उसकी आंख की दृष्टि जो है दब गई हुई होगी तो वो जो है डाल रहा था, लेकिन जो है मैं कह रहा हूं कि लड़का छिद्र जो है के सामने धागा डालो और तू जो है साइड में धागा डाल रहे हो इसलिए जो है धागा जो है वो छिद्र में जो है पास नहीं कर पा रहा है। कहा है चुपचाप रहिए, आप क्या समझते हैं आपको क्या दिखाई पड़ेगा, हम कहला चक कोई बात नहीं, डालते डालते वो जो है यानी कि अनसा गया, वो जो है यानी कि चीड़ करके कहा कि मैं फेंक दूंगा। मैंने कहा क्या हुआ, कहा कि देखिए ना नहीं जो है धागा डाला जा रहा है, ले लो है ना वो सुई को लेकर के जो है बस है। देखिए उम्र के अनुसार से जो है दृष्टि जो है धीरे धीरे दबती तो जरूर है, लेकिन वो 16 साल का लड़का हो सकता है कोई बीमारी की वजह से ऐसा हो गया होगा है ना, या ज्यादा मोबाइल को जो है यूज कीजिएगा ज्यादा गौर करके देखिएगा तो लाइट जो है ना वो तो दब्बे करेगी। हरी घास में जो है प्रत्येक आदमी को जो है कम से कम 10 मिनट जो है घास को जो है जरूर देखना चाहिए, हरी घास को देखने से आंख की रोशनी जो है उबरती है ना, तरह तरह का जो है रोशनी को जो है चमक देखने के बाद रोशनी जो है आंख की रोशनी घटती है। तो मैंने जो है नयन ये दोनों नयन को एक कर दिया और उसके बाद धागा डाल दिया है ना, है ना। तो सज्जनों कहते हैं मैं कह रहा था कि संत दर्शन से जो है बहुत लाभ होता है। साधु नांग दर्शन पुण्यं तद्भुता ही साधव कालिन फलते अध्य साधु समागम, यानी कि समझा रहे हैं कि संत के पास जाओगे सब जो है दुख समाप्त हो जाएगा। तो दुख समाप्त कैसे होगा, मान ले जाए आपको शरीर में कष्ट है बहुत कष्ट है, आप डॉक्टर के पास जाके बैठ जाओ क्या कष्ट दूर हो जाएगा,
नहीं ना। अरे भैया डॉक्टर के द्वारा उचित दवाई खाने के बाद कष्ट दूर होगा, उसी तरह से संत का जो है कथना अनुसार चलने के बाद ही जो है आपको कष्ट दूर होगा। ये भ्रम में मत रहिए कि हम जो है संत के पास बैठेंगे तो हमको पुण्य हो जाएगा। हाँ, संत का कथना अनुसार से चलिएगा तब आपका जो है यानी कि जो है अंतःकरण साफ होगा। आप जो है सही रास्ता पर चलना शुरू कर दीजिएगा, सही जो है मार्ग को अपनाइएगा, सही कर्म को अपनाइएगा, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा है, और आपके जीवन से दुख जो है समाप्त हो जाएगा, है ना। साहेब कबीर ने कहा कि जो तू चाहो मुझको छाड़ सकल की आस, अब मुझ ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। जवाब तो साहेब की वाणी को सुन करके एक जिज्ञासु जवाब दिया, कहा कि सरकार आप तो बाल ब्रह्मचारी, मैं पत्नीधारी हूं, बाल बच्चेदार हूं, पारिवारिक हूं, लेकिन मैं आपके जैसा कैसे हो पाऊंगा। साहेब कबीर ने कहा बेटा चाहोगे तो मेरे जैसा हो सकते हो, तेरे चाह के ऊपर है। कहा सो कैसे? कहा मैं पत्नीधारी जो हूं, बाल बच्चेदार हूं, धन संपत्ति के बीच हूं। कहा इसमें जो है धन संपत्त मेरे जैसा होने के लिए पत्नी को त्यागने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चे को त्यागने की जरूरत नहीं है, धन दौलत को त्यागने की जरूरत नहीं है। अरे त्यागो उसको जो कि मेरे जैसा नहीं होने दे रहा है। कहा मैं किसको त्याग करूं? कहा कि हां काम क्रोध लोभ मोह मद तृष्णा, ये तेरा कौन है बताओ? कोई है? नहीं ना, नहीं है। और तुम इसको जो है कस के पकड़े हुए हो और इसके जो है ऑर्डर पर रात दिन जो है चल रहे हो और इसी के द्वारा जो है तुम जो है कष्ट भोग रहे हो, इसलिए इसके संग से तुम हट जा। इसके संग से तू हट जा, तेरा जीवन आनंदमय हो जाएगा। कोई भी पत्नी पति को कष्ट देना नहीं चाहती है। देखिए पूजा व्रत जितना भी जो है करती है वो पति के सुख के लिए, बाल बच्चे के सुख के लिए, है ना। कोई भी बाल बच्चा जो है अपने जो है पापा को नहीं रोकता है कि आप पूजा नहीं करो, आप सत्संग नहीं करो, रोकता है क्या? आप दान पुण्य नहीं करो, रोकता है क्या? नहीं। तो जो नहीं रोकता है तो उसको त्यागने की क्या जरूरत है, ठीक है। लेकिन ये लोग रोकेगा, कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होई, अब भक्ति करे वह सूरमा जो जाति वर्ण कुल खोई, है ना। अगर आप काम वासना में चूर हो जाओगे तो आप ध्यान साधना नहीं कर पाओगे। आप क्रोधी अगर हो जाओगे ना है तो क्रोध उत्पन्न होने के बाद ज्ञान का दीपक बुझ जाता है और आप कुछ से कुछ कर बैठते हो, बाद में भले पछताते हो, है ना। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह माद मत्सर तृष्णा, ये क्या है? यही कष्ट देने वाला है। इसी को जो है त्याग कर दो, बस मेरे जैसा हो जाएगा। अच्छा बेटा मैं पूछता हूं कि जैसे मैं झूठ नहीं बोलता हूं तो तू भी झूठ बोलना छोड़ दे क्या? जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है क्या उसका जीवन यापन चल रहा है कि नहीं? क्या वो परिवार को चला रहा है कि नहीं? भरण पोषण कर रहा है कि नहीं, है ना। इसलिए झूठ बोलना छोड़ दे, है ना, झूठ बोलना छोड़ दे, नशा खाना छोड़ दे। जैसे मैं नशा नहीं खाता हूं, है ना। अब मान ले जाए जो ना जैसे हम ही नशा नहीं खाते क्या नहीं जी रहे क्या, है ना, है ना। एक लड़का कहा कि जब तक हम जो है नशा नहीं खाएंगे तो हम बच ही नहीं पाएंगे। मैंने कहा सो क्या हुआ है, कोई बीमारी है? कहा नहीं। कहा अरे तुम अपने आप को जो है उससे कमजोर कर लिए हो और उसको श्रेष्ठ मान करके उसके ऑर्डर पर चल रहे हो।
जितना भी कष्ट होता है मन के द्वारा होता है। और बारंबार जो लोग जन्म लेता है, जानते हैं क्यों जन्म लेता है? एको बार न होई है बांको, अब बहुरी न जन्म होई है ताको। मान लीजिए किसी से आप रुपया ले लिए हो तो मांगने के लिए तो जरूर आएगा, आएगा ना? 1000 रुपया ले लिए हो तो जरूर आएगा मांगने के लिए। तो आप जो है उसको 500 रुपया दे देते हो, 500 रुपया रख लेते हो, तो फिर तो दोबारा मांगने आएगा, आएगा ना? अब फिर जो है दोबारा जब मांगने आया तो 250 रुपया देते हो और 250 रख लेते हो, तो फिर आएगा मांगने के लिए, है ना? आ कोई कोई व्यक्ति एक बैगे 1000 रुपया दे दिया तो उसके दरवाजे पर आएगा मांगने के लिए? नहीं ना आएगा, नहीं आएगा। उसी तरह से भक्ति में अगर कमी रखोगे तो पूरा करने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। क्या मैया बहनियां को पूछो, अगर दाल जो है बढ़िया से सिद्ध नहीं हो पाया है तो ऑर्डर किया जाता है फिर से चूल्हा पर चढ़ा करके सिद्ध करो, क्या है ना? तो उसी तरह से जो है अपने को अगर सिद्ध कर देते हो है तो फिर दोबारा आने की जरूरत नहीं है। साहेब कबीर ने कहा, सिद्ध भया तो क्या भया, 34 फूटी वास, अंतरवा को बीज है फिर जामन की आस। अभी आप लोग जो है धुक्कड़ आम खा रहे हैं, खा रहे हैं ना? और आम का जो है गुठी क्या करते हैं, फेंक देते हैं, जहीं तहीं गाछ भी हो गया होगा, हो गया ना? तो आप क्या कीजिए कि गुठी को जो है चीर दीजिए, अब बखला को जो है फेंक दीजिए, और वो जो उजला जो है ना उसको जमीन में गाड़ दीजिए प्रेम से, है ना? और खाद पानी दे दीजिए, 10 रोज में तो बहुत बड़का गाछ हो जाएगा। होगा नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जन्म लेने की सत्ता कराने की शक्ति जो है वो बखला में था, है ना? तो बोखला तो आप हटा दिए और जो है वो बुद्धि जो है बीज जो है आप डालते हैं तो उससे क्या होगा? उसी तरह से आप मन चित बुद्धि अहंकार के अधीनस्थ रह करके आप बराबर जो है यहां आते हैं और जाते हैं, है ना? जैसे वो जो है गुठी को जो है आप डालिएगा गाछ में, गाछ बन जाएगा, और उसको बखला को हटा करके डालिए तो कुछ नहीं बनेगा। जैसे कि आप लोग मकई का भुंजा भूंजते हैं ना, मकई को भूंजते हैं ना, ठीक है? एक डब्बा भूंज दीजिए और उसके बाद जो है खेत बढ़िया से जोतवा करके और टोभनिया द्वारा टोबा दीजिए, महीना दिन में तो अच्छा इतना इतना बड़ा गाछ हो जाएगा। नहीं ना होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भूजने के बाद जो है ना जन्म लेने की शक्ति समाप्त हो जाती है। उसी तरह आप जो है अगर मन को ज्ञान अग्नि के द्वारा जो है डाल करके, ज्ञान अग्नि में डाल करके मन को अगर आप भूज देते हो तो जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं है। काहे के लिए बराबर बराबर जन्म लेते हो, बराबर जो है कष्ट पाते हो, है ना? इसलिए कहते हैं साहिब कबीर ने कहा, अंतरवा को बीज है फिर जामन की आस। अगर अंतर में वासना लगी हुई है तो जन्म लेने की आशा रखो, है ना? छच्छा आही छत्रपति पासा, अच्छक किन रहू मेटी सब आशा। आशा ही बंधन है, निराशा ही मुक्ति, है ना? देखिए माँ जब मर जाती है ना तो बेटी जो है पिताजी पर आस लगाते हैं, अच्छा पिताजी तो हैं। अब पिताजी भी अगर मर जाते हैं तो कहा अच्छा भाई तो है ना, भतीजा तो है ना, अगर वो दोनों भी जो है भाई भी चले जाएंगे है, अब भतीजा भी बोलना छोड़ बंद कर देंगे तो धीरे धीरे जो है क्या करती है, संतोष बांधने लगती है ना, है ना? आप क्या करेंगे नहीं अर्जा करके, अब कहीं कुछ नहीं है, है ना? अब कोई नहीं हमको पूछता है। उसी तरह से जो है आप जो है पूछवाना छोड़ दीजिए, कोई नहीं आपको पूछेगा, है ना? तो किससे पूछवाना छोड़ दीजिए? तो ये जो ऑर्डर जो करता है ना, ये करो वो करो काम करो तो लोभ मोह मद मत्सर तृष्णा, इससे जो है पूछवाना छोड़ दीजिए,
है ना, बस आप फ्री है, न्यूट्रल है, आपको जो है कोई ऑर्डर करने वाला नहीं होगा, आप जो है बढ़िया से जो है सुख पा करके जो है यहां से विदा हो जाइएगा। विदा तो होना ये चाहे कोई भी हो, हम ही जो बोल रहे हैं, जैसे हमारे राम शरण भाई विदा हो गए ना, रात्रि में सत्संग हुआ, मौसम जो है अच्छा नहीं होने के वजह से फिर भी सत्संग हो गया, लेकिन श्रोता का आगमन नहीं हो पाया, सत्संगी भाई बहनों का आगमन नहीं हो पाया, इसलिए सुबह में जो है करने के लिए कहा गया, तो मैंने कहा साप्ताहिक ही है तो चलिए उसी में थोड़ा सा उनका भी गुणगान हो जाए क्या, तो चलिए। तो सज्जनों मैं कह रहा था कि जीवन में अगर सुख पाना चाहते हैं तो आप जो है पहले संघ को चेंज कीजिए, है ना। संघ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तृष्णा ये कुसंग है ना, और दया क्षमा संतोष विवेक विचार दान ज्ञान सरलता ये सुसंग है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा बेटा अमुक लड़का के जो है संघ में बिगड़ गया। किसी के संग में रहने के बाद कोई बिगड़ता नहीं है, जब तक आप बिगड़ने के लिए नहीं चाहोगे तो कोई नहीं बिगाड़ सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता, है ना। बहुत आदमी कहता है ना कि अमुक लड़का के संग में घूमते घूमते ये भी शराब पीना शुरू कर दिया, लेकिन मैं जादू सीखने के क्रम में जो है सात फाटक के अंदर में से दारू ला करके हम अपने गुरु को पिलाते थे, लेकिन हम नहीं पिए तो कहां हो, है हमारा मन होगा पीने का तब ना हम पिएंगे। तो उसी तरह से जो है जब तक आप गिरना नहीं चाहेंगे तो कोई गिरा नहीं सकता, कोई नहीं गिरा सकता। इसलिए साधना के क्षेत्र में जो अडिग हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। इसलिए साहेब कबीर ने कहा मार्ग तो कठिन है वहां कोई नहीं जात, गए तो बिहुरे नहीं कुशल कहे को आओ। जो चला जाता है ना वो लौट करके आता नहीं है। इतते सब कोई जाया भार लदाए लदाए, उतते कोई नहीं आया जासो पूछियो धाय, है ना। इसलिए खाना कमाना ये आपका मुख्य उद्देश्य नहीं है, मुख्य उद्देश्य है आत्म कल्याण करना, मुख्य उद्देश्य है सदगति प्राप्त करना, मुख्य उद्देश्य है आनंदमय जीवन बिताना। साहिब कबीर ने कहा दादा भाई बापक लेखो अचरणन होई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सो पुत सदा आनंदा। अब की पुरिया है ना, देखिए दुकानदार के यहां जाइएगा ना तो छोटा छोटा जो है सौदा जो है आपको पुरिया में करके देगा। जैसे उदाहरण के स्वरूप में जो है बहुत ज्यादा लोग जो है दुकान पर जाकर के कहते हैं जरा हमको जो है खैनी दीजिए, तब पुरिया में खैनी दिया जाता है दुकानदार के द्वारा, तो क्या करते हैं वो जो है खैनी को चुनेटी में डाल करके पुरिया को फेंक देते हैं, है ना। तो उसके नजर में वही कीमती चीज है, तो ये 3.5 हाथ का जो पुरिया है इसमें कीमती चीज क्या है, ये बोलने वाला, ये बोलने वाला अगर नहीं रहेगा तो इसको जो है तुरंत जो है भेज दिया जाएगा, हटाओ जल्दी हटाओ, अब कोई छुबो नहीं करेगा, है ना, कोई नहीं छुएगा डर के मारे, आ छुबो करेगा तो तुरंत जाके स्नान कर लेगा, है ना। तो इसलिए जो है कहते हैं क्या कि ये जो बोलने वाला है बस इसको जो है मुक्त करा दो, इसको जो है छुटकारा करा दो, है ना, इसको जो है स्वच्छ करा दो, तो किससे छुटकारा कराना है, ते बंधन से है। ये बंधन बांधने वाला यही लोग है ना, ये बांधने वाला यही लोग है। आसक्त होने के बाद बंधन में पड़ जाता है मन, ए मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विषया संगी मुक्तिर निर्विषयं मदा।
जब आप मन का संग करते हो तो बंधन में पड़ जाते हो, अब मन का कहना नहीं मानते हो तो बंधन से मुक्त हो जाते हो। हम लोग बंधन दाई नहीं है, हम लोग बंधन से बंधित होकर के नहीं आए, है ना। साहिब कबीर ने कहा, बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, आ कीवल छूटे अपना किरिक छोड़ावे पीव, है ना। कोई बंधन नहीं है लेकिन ये बेचारा जीव अनेक बंधन को स्वीकार कर लिया है कुसंग के प्रभाव से, है ना। इतिहास का रूस से पूछा गया, क्या मैं बंधन दाई होकर के आया हूं क्या? इतिहास का रूसो ने कहा, नो, मैन इज द बर्न फ्री बट एवरीवेयर ही जिंचेंस। मनुष्य स्वतंत्र होकर के जन्म लिया है लेकिन प्रत्येक जगह खुद जंजीर में बंद गया है, खुद बंद गया। साहिब कबीर ने कहा, कहीं कबीर ललनी के सुबना तोहे कब ने पकड़ियो, रे सुगा तू पिंजरा में पड़ करके जो है अपना जो है दुखड़ा लोगों को सुनाते हो, तुमको पकड़ने की हिम्मत थी किसमें? लेकिन तू लाल मरचाई के लालच में जो है कटघरनी पे बैठा और तू पकड़ा गया। कहीं कबीर नर आप बंधायो ज्यो ललनी भ्रमसुआ, जैसे सुग्गा अपने पकड़ा जाता है उसी तरह से मनुष्य जो है बंधन को जो है बंधन में अपने आप जकड़ लेता है, है ना। इसलिए बंधन से मुक्त आप लोगों को कोई नहीं करा सकता है, गुरु भी नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। हाँ, गुरु आपको युक्ति भेद बताएंगे, क्या युक्ति भेद बताएंगे, लेकिन जो है बंधन को स्वीकार किए हो आप तो बंधन को छोड़ना होगा आपको। आप जो है आपको कोई चट्टी पर बैठाया गया कि स्वतः आप बैठे हैं, बोलिए अपने से बैठे हैं ना, तो अपने से जो है जाइएगा ना छोड़ करके। उसी तरह से है, अगर बंधन को स्वीकार तूने किया है तो बंधन को तुम ही को छोड़ना पड़ेगा, है ना। इसलिए सज्जनों कहते हैं, साहिब कबीर कहते हैं कि तू अपने को जो है निवारण कर लो, अपने को बचा लो, अपने को सजा लो, अपने को संवार लो, बस तेरा जीवन जो है आनंदमय बीतेगा। एक भजन सुन लीजिए, है सपने सोए मानवा खोली जो देखे जीव परा बहुलूट में ना कछु ले नन दे स्वप्न में तरह तरह का जो है दृश्य देखते हैं, कभी कभी अपने को राजा साबित कर लेते हैं स्वप्न में, नींद टूटने के बाद कहीं कुछ नहीं। उसी तरह से मोह निशा में रात्रि में लोग सोते हैं, 9 बजे सोते हैं तो 3 बजे जग जाते हैं, और 9 बजे से 3 बजे के अंतर्गत जो दृश्य जो स्वप्न में आपने देखा उसको असत्य मान करके छोड़ देते हैं ना। लेकिन मोह के निशा में सोने वाला व्यक्ति वो सपना को सही मान करके जो है उसके अनुसार से रोता है, कलपता है, कष्ट भोगता है, कभी कभी हंसता भी है। इसलिए साहिब कबीर कहते हैं, ए सजन सखिया रे सखिया अरे
सजन सखिया रे, रे सजन सखिया रे, बिनु जागे ना पाइबो सजन सखिया, बिनु जागे ना पाइबो सजन सखिया, बिन पदम पत्र नहीं बजाइए, अस्थिर से सुनिए। सजन सखिया रे, सजन सखिया रे, सजन सखिया बिनु जागे न पै, सजन सखिया बिनु जागे न पैबा, साहिब कबीर कहते हैं, क्या तुम सो वो मोहनी सा में, क्या तुम सो वो, क्या तुम सो वो मोहनी सा में, क्या तुम सो वो मोहनी सा में, क्या तुम सो वो, क्या तुम सोवो मोहनी सा में, क्या तुम सोवो मोहनी सा में, कामनी ऐसी लगायो यखिया बिनो जागे न पैबो सजन सखिया, बिनो जागे न पैबो सजन सखिया, गुरु ना कैलो ना साधु ना सेवलो, गुरु ना कैलो तो, गुरु ना कैलो तू साधु ना सेवलो, गुरु ना कैलो तू साधु ना सेवलो, लख चौरासी में बोइलो बिया बिनो जागे न पैबा सजन सखिया, बिनो जागे न पैबा सजन सखिया, बिनो जागे न,
झूठ चोरी नासा हिंसा पे विचार छोड़ो। अगर 84 के चक्कर से बचना है तो साहेब कबीर की वाणी को जीवन में उतारो। झूठ चोरी नासा हिंसा पे विचार छोड़ो, झूठ चोरी नासा हिंसा पे विचार छोड़ो, झूठ चोरी नासा हिंसा पे विचार छोड़ो। ओ लख 84 से छुटी है जिया, इनो जागे न पैबा सजन सखिया, इनो जागे न पैबा। बिसाया सुख मानंदी, पांच बिसाया सुख मानंदी, पांच बिसाया सुख मानंदी, पांच बिसाया सुख मानंदी। ओ भोगे भोगे नर हो गयो दिया, बिनो जागे न पैब सजन सखिया, बिनो जागे न पैब सजन सखिया। जीव पराया निज समझानो, जीव पराया, जीव पराया, पराया निज समझानो, जीव पराया। ओ नर जीवन तू सफल किया, बिनो जागे न पैब सजन सखिया, बिनो जागे न पैब सजन सखिया। कहई कबीर सुनो रे सखिया, कहई कबीर सुनो रे सजनी, कहई कबीर सुनो रे सजनी, कहई कबीर। ओ उलटी के देखो, उलटी के देखो, तू ही पिया, बिनो जागे न पैब सजन सखिया, बिनो जागे न पैब। बिनो जागे न पैब सजन सखिया, बिनो जागे न पैब सजन सखिया। बोलिए सुरदेव की। तो सजनों, आप सत्संग ज्ञान यज्ञ स्थल पे विराजमान हैं और कल्याणमयी बातें को आप लोग श्रवण कर रहे हैं।
मैं कह रहा था गुरु कबीर के शब्दों के तहत, कि मेरे जैसा हो रहो सब सुख तेरे पास, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार से मुक्त होना पड़ेगा, तब आपका जीवन आनंदमय बीतेगा। आप जरा गुरु महाराज की वाणी को यकीन कीजिए कि सत्संग नित ध्यान नित करते रहिए संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। रोज सत्संग करने के लिए कहा गया है ना। तो सत्संग यानी कि सही संग में अपने आप को जो है रोज जो है रहने के लिए कहा गया। तो दो तरह का संग है, मैंने वर्णन किया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तृष्णा, ये कुसंग है। दया क्षमा संतोष ज्ञान दान ज्ञान सरलता रजो दान, ये क्या है? ये सुसंग है। तो रोज जो है अपने को जो है इसमें डाल दो और कुसंग से निकाल करके इसमें डाल दो। वैसे तो ये गाना बजाना ये तो बाहरी सत्संग है, बाह्य सत्संग कथा प्रसंग, आंतरिक सत्संग ध्यान है ना। यानी कि जब अपने को कल्याण दशा में लाने के लिए जब आप ध्यान साधन करेंगे तो यही जो है आंतरिक सत्संग है ना। इसी को आंतरिक सत्संग कहते हैं। साधना के द्वारा आपने अपने को जो है सजा लिया, संवार लिया, परिपक्व कर लिया, तो समझ लो कि आपने जो है सत्संग कर लिया है ना। इसलिए सज्जनों रोज जो है गुरु महाराज कहते हैं कि रोज सत्संग करो है ना। जैसे आप अपने लड़का को कहते हैं कि रोज पढ़ो है ना, क्यों? आप जान रहे हैं कि रोज रोज पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, कि आप लोग कहते हैं कि कभी कदाल पढ़ो, कहते हैं नहीं ना, रोज रोज है पढ़ो, और तब तक पढ़ो जब तक जो है तुम जो है पढ़ाई की अंतिम सीमा तक ना पहुंच जाओ। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि रोज रोज ध्यान साधना करो, तब तक करते रहो जब तक तुम जो है अपने जो है गंतव्य स्थान तक पहुंच ना जा है ना। मानस जाप मानस ध्यान दृष्टि साधन सुरत शब्द योग नदानुम संधान क्रिया है ना। ये गुरु महाराज के कथना अनुसार जब इतना में परिपक्व हो गए तब ये जो है आप अपने शरीर में रमैया राम के पास जो है पहुंचोगे, उसमें समाओगे। साहिब कबीर ने भी कहा कि विवेक दृष्टा अस्तिति सहज समाधि, इन चार साधनाओं के द्वारा जो है तुम जो है अपने स्वस्वरूप में जो है लीन हो सकते हो। तो बिना किए कुछ नहीं होगा, बोलने से काम नहीं चलेगा। अभी यदि मैं आप लोग को बोल दूं कि आप मैं लोग मेरे पास बैठे रहोगे, आरती के बाद आप लोग अपना अपना घर पहुंच जाओगे, क्या पहुंच जाइएगा? क्या भर रात बैठे रहिए पहुंच जाइएगा? नहीं, जब तक ये स्थान को छोड़ करके अपने घर तक जाने के क्रम में तय नहीं कीजिएगा तब तक आप पहुंच नहीं पाइएगा है ना। बिना खाए भूख नहीं मिटती। अगर कोई कहता है कि कथा प्रवचन सुनो मेरा और तेरी भूख मिट जाएगी, वो मिटने वाली नहीं है, है ना। हाँ, ज्ञान पाने की जो भूख तेरे अंदर है वो भले मिट जाएगी, लेकिन ये शरीर को स्वस्थ करने वाली भूख जो है वो नहीं मिट पाएगी। इसको मिटाने के लिए आपको भोजन करना पड़ेगा। और आपको अगर जाना है, चाहे नौगछिया हो या कहलगांव हो या कहीं भी जाना है, तो आपको तय करना पड़ेगा। अगर कोई गुरुजी कहता है कि मेरे पास बैठे रहो आ तुम पहुंच जाओगे, ये भूल है ना। बिना तय किए पहुंच नहीं पाओगे। अभी आप लोग जो है यहाँ आए हो, आप
कोई गाड़ी से तो कोई पैदल तो कोई किसी तरह से आए हो भैया, तब ना यहाँ पहुंचे हो, है ना। तो उसी तरह से बिना ध्यान साधना की आप परिपक्व नहीं हो सकते हो। तो ध्यान साधना तभी, ध्यान साधना में तभी परिपक्व हो सकते हो जब तेरे अंदर त्याग होगा, है ना। साहिब कबीर के सामने प्रश्न आया कि मैं क्या त्याग करूं, कहिए तो मैं अपना जो है बाल बच्चा पूरे इलाका को त्याग कर दूं। साहिब कबीर ने कहा ना बेटा, अगर गाछ लगाए हो तो गाछ को देख रेख नहीं करोगे तो गाछ सूख जाएगा। परिवार को सजाए हो तो परिवार को सजाते रहे हो। अरे कमल के जो है फूल ऊपर में फूलता है लेकिन जड़ जो है कीचड़ में रहता है, है ना। उसी तरह से परिवार में रह करके तू ऊपर उठ जा, ध्यान साधना के द्वारा, गुरु भेद के द्वारा ऊपर उठ जा। इसलिए सज्जनों, साहिब कबीर की वाणी को जो है जब तक सुन करके जीवन में नहीं उतारिएगा तब तक कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाइएगा। आइए, आप लोगों का समय होने को है, इसलिए मैं जो कहना चाह रहा था कि संत के समीप बैठने के बाद विवेक शक्ति जगती है और संत का कहना मान करके जीवन में उतारने के बाद कल्याण होता है। तो इन्हीं भावनाओं में भावित होकर के मैं आप लोगों को जो है थोड़ी देर सेवा की है। तो चलिए, कोई बात नहीं, अब जो है मैं अपना कार्यक्रम को विराम के ओर ले जा रहा हूं एक भजन के साथ। अरे कथी ये के लाग नहीं जीव के बेरिया, ए कथी ये के अब हाथ कड़िया अलग नहीं ए ललना रे काथी ए ललना ए ललनार कौने जेल में हो जीव आराम बंद वे लई से हो कथी के आबाहाई होता Thank you.
के जला गई जीव के पेरिया से लोभा के अब हाथ कड़िया लालनार काया जल में हो जीव राम बांध भे लई से हो ममता ममता के ताला के पाकरलाए कौन रे सिपाहिया ए जीव के पाकरला रे कवने हो दरोगा बाबू बन लई नये ए ललनार कावने हाकिम हुकुम अब हो चले लखी न जीव के बजे ल भैल हे सिपाहिया जीव के पाकरा लाए वासना अब हो दरोगा बाबू बन लई नै हो ए ललनार अहंकार हाके मैं हुकुम अबरे चले लखीना जीव के अब हो जे Thank you.
भैया करत अब हो पैरवी शेर कवने अब हो जवान दिलाए तैये ए लला नार कवने वो किल बहस अब हो कैर के से जीव के अब हो छोड़ा सात भैया करत अब हो पैरवी शेर धरम भैया हो जवान दिलाए लाल नार विवेक वकील बहस अब हो कैसे हो जीवा के अब हो छोड़ा स्वरूप सोहर बखिनियनात स्वरूप दावी के सुन लखिन ये लल नारे ए लल नारे हीले मिले होकर साता सांगा से हो प्रेम सोहर बोलिए सद्गुरुदेव की जय।